बता सकते हो, प्यार जब पहली बार किसी से प्यार हुआ तो आपकी क्या आपकी अनुभूति थी, वो आप शेयरिंग कर सकते हो, जो भी करना चाहे। तो छवि ने नाम डाला है, और किसी ने भी नाम डाला है क्या? हाँ जी, छवि आप आ जाइए। शकीला ने डाला है नाम, छवि, उसके बाद हाँ जी, अनन्या, अनन्या के बाद शकीला। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम छवि है, मैं दिल्ली से हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं अपना शटावश्यक का ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे शटावश्यक करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। जैसे मैं अगर अपने बचपन का सोचूं तो मुझे ध्यान है कि घर वालों को जब भी मुझे कुछ खिलाना है, जो रात रात का लास्ट मील है, उन्हें पता होता था कि 8 बजे ये कहीं पे भी बैठी होगी, इसे नींद आ जाएगी वहीं पे, चाहे मैं सोफा पे बैठी हूँ चेयर पे, तो मुझे उससे पहले खिला देते हैं। देखो, सो नेचुरल कि मेरी बायो क्लॉक सेट थी कि 8 बजे मुझे नींद आ जाएगी। बट उसके मतलब बड़े हो गए, शादी हो गई, उसके बाद मैंने कभी मतलब अच्छी क्वालिटी की स्लीप एक्सपीरियंस की ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज मतलब पता चल गई है जिससे मुझे बहुत क्विकली नींद आ जाती है, और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। पहले बच्चे हिले फिर नींद खुल गई, पूरी रात जागती ही रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मतलब जस्ट थोड़ा सा कैंसर के बारे में सोचते ही मुझे नींद आ जाती है, और बहुत अच्छी नींद आती है, और मैं कभी ध्यान भी नहीं लगा पाती थी। लेकिन अब जैसे आज जेजे ने जब ऊर्जा योग के बाद स्टार्ट किया, मैंने आईज भी नहीं ओपन की थी, मतलब जस्ट जब उन्होंने बोला तब की थी। पहले मेरे लिए बड़ा अनईजी होता था इतनी देर आंखें बंद करके बैठना भी, कि ध्यान लगता ही नहीं था, सारी तरफ ध्यान जाता था, ये काम करना है ये करना है, बस जल्दी से आंख खोलूं और उठ जाऊं। लेकिन आज तो मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मतलब इट वॉज सो एफर्टलेस कि मन ही नहीं हो रहा था कि मैं आंख खोलूं भी, और अब बड़े आराम से अच्छे से मैं मतलब एक कॉन्शियस स्लीप को एक्सपीरियंस कर पा रही थी, जो शायद रात की स्लीप से भी जिसकी क्वालिटी अच्छी थी। जो वो बोल रहे थे मैं सब सुन पा रही थी, लेकिन मैं एक पीसफुल एक रेस्टिंग स्टेट में थी, जो बहुत एनर्जेटिक फील कराता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच जे जे, थैंक यू वेरी मच। योर वेलकम। हाँ जी, अनन्या आ जाइए। अनन्या, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और परिचय दीजिए अपना पहले। हाँ हेलो, हेलो सर, हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं अनन्या हूँ, मैं अनन्या हूँ, आई एम फ्रॉम कोलकाता, और मैं एक फिनेंस प्रोफेशनल हूँ, और आई एम मदर ऑफ ट्विन ट्विन डॉटर्स। मेरे 4.5 साल के डॉटर्स हैं, और एंड माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर। और मुझे बॉर्डर लाइन डायबिटीज का प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा बहुत पेरेंट्स डायबिटिक है, और वेट गेन का भी तो था प्रॉब्लम। तो ये मेरा चौथा दिन है आपका प्रोग्राम में, और माय दिस डायबिटीज हैज ऑलमोस्ट कम टू नॉर्मल। मैं कल चेक किया, आज अभी तक चेक नहीं किया अपना पीपी एंड फास्टिंग। तो द फास्टिंग हैज नियरली कम टू आई थिंक 120, 128 ऐसा कुछ आ गया। 110 के नीचे नॉर्मल है जहाँ फास्टिंग में। तो मेनली मैं वो डाइट जो है वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ, और ये डाइट फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब इसमें ज्यादा कुकिंग वुकिंग का जरूरत नहीं होता। जो मेरे एक्चुअली किया था एक्सटेंसिव डाइट प्रोग्राम मैंने फॉलो किया, और जिम भी, तो जो एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट था, और मेरा क्या था ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वो जैसे मेरा ट्रांसफर होता था या कोई टफ शेड्यूल के मुझे ज्यादा देर मेरे ऑफिस में रहना पड़े, तब तो मुझे ये आदत मेरा छूट जाता था। और एंड अगेन आई यूज्ड टू गेन वेट एंड माय, तो ये वाला जो है आपका बेड योगा या आपका जो नाइट टाइम में जो आपका कल्चर जो मैं करती हूँ, और आपका सूर्य नमस्कार वगैरह, तो दैट इज एक्चुअली आई कैन डू फ्रॉम माई होम, और दिस इज अ स्केड्यूल विच आई थिंक आई कैन स्टिक टू। हाँ, तो मुझे तो अपने डायबिटीज का तो फायदा मिल रहा है, और वजन मेरा 1 किलो कम हुआ है अभी तक। हाँ, तो देखते हैं, आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव इन फ्यूचर। सो थैंक यू। वेट या थैंक वेट वेट, यू। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते टू ऑल। आई एम शकीला विजय भास्कर फ्रॉम बैंगलोर। एक्चुअली फर्स्ट 2 डेज डाइट फॉलो नहीं किया था, कल से स्टार्ट किया है, और ऑलमोस्ट
within 2-3 days I've lost 300 grams of weight और हेडेक बहुत सीवियर था मुझे. सर ने कुंजल करने के लिए बोला है. I'm practicing kunjal from yesterday but आज हेडेक नहीं है. कल थोड़ा था but today I'm fine. हेवीनेस कुछ भी नहीं है. तो I'm really very happy how it is going. Thank you sir. Thanks a lot. Thank you sir. बीना जी, बीना मेहता. जय जिनेन्द्र सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं बीना मेहता नवी मुंबई से. आई एम 55 इयर्स ऑफ एज. और मैं मुझे थोड़ा डिप्रेशन का कंप्लेन था बहुत दिन से, अभी भी है. लेकिन जब मैं सर का कायोत्सर्ग करती हूँ, मैं अभी स्पेशली कायोत्सर्ग के लिए ही आती हूँ क्योंकि मुझे घर में अभी बहुत काम रहता है, तो मुझे वो इतना, मैं ट्रांस में चली जाती हूँ और मैं इतना कामनेस फील करती हूँ. और मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन सर के जैसे कायोत्सर्ग को कोई करा ही नहीं सकता है. और मैं इतनी काम कंपोज्ड हो जाती हूँ और पूरा दिन मेरी मेंटल क्लैरिटी और मेरी स्टेट ऑफ माइंड इतनी अच्छी रहती है कि लॉट ऑफ थैंक्स टू सर फॉर दैट. थैंक यू जे जे सर कि आपने मुझे इतना इतनी अच्छी स्टेट ऑफ माइंड दी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. यू आर वेलकम. हाँ जी, और किसने डाला है? बीना जी के बाद आइए, क्विकली आइए क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी रहती है. और राधिका जी आप आ जाइए. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. नमस्ते सर. एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा जी सर. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर. बल्कि एक शेयर भी करना था. जैसे मेरी मदर की डेथ को 6 months हो रहे हैं एंड आई वाज क्वाइट अंडर डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे बट पता नहीं एक सूनापन सा था. बट कल फर्स्ट टाइम बहुत हंसे शाम को. एक अलग सा हल्कापन लग रहा था. तो रियली आई एम रियली लाइकिंग इट. थैंक यू सो मच. बाकी चीजें भी कर रहे हो ना, एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे हो? सर बाकी चीजें कर रहे हैं लेकिन डाइट इतना नहीं हो पा रहा है तो खिचड़ी खा ले रहे हैं सर. कोई बात नहीं, खिचड़ी मिलेट्स की बना लो. अच्छा, मिलेट्स की, मूंग दाल और वेजिटेबल चावल. स्प्राउट मूंग कर लीजिए और मिलेट्स डाल लीजिए उसमें. अच्छा हाँ, और राइस भी डालने हो तो थोड़े से ब्राउन राइस डाल लिए. थोड़ा लौकी कस ली उसमें, थोड़ा वेजिटेबल्स डाल लिया तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है. तो खिचड़ी खा सकते हैं मतलब ना सर? उसमें थोड़ा अलसी डाल सकते हो, ठीक है ना? तो ऐसे एक अच्छी खिचड़ी बना सकते हो. मिलेट्स के साथ खिचड़ी बनाइए, मिलेट्स की. मेडिटेशन में भी सर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी बॉडीज मतलब ऐसे ऑरा वो दिख रहे थे, कई सारे ऑरा सब बॉडी में दिख रहे थे ऐसे मेडिटेशन के टाइम. अच्छा लग रहा था. राइट, आप करिए अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बात कर लीजिए. जी सर. हाँ जी, अनंत कुलकर्णी जी, आज तो बहुत अच्छे डांस किया अनंत जी आपने. बताइए थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज तो जो एनर्जी लेवल बढ़ गया और सूर्य नमस्कार की कैपेसिटी भी बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ानी है बट आई कैन सी दैट ग्राफ गोइंग अप एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक. वो जो बॉडी में जो स्टिफनेस था, अकड़न थी मसल्स की, वो धीरे धीरे कम हो रही है. सो आई एम लाइकिंग इट एंड विद दिस कायोत्सर्ग रात को नींद जल्दी आ रही है. वो पहले नहीं होता था. दैट्स अ गुड साइन. सो आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर नाउ. थैंक यू वेरी मच सर. हाँ जी, करुणा करण जी, करुणा करण और चारू. करुणा करण जी कौन आ रहे हैं पहले? जो जल्दी खोल लेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, वो बोलिए. यस सर. हाँ, चारू जी ने अनम्यूट कर लिया. चारू जी आइए.
गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अभी मेरा एक्सपीरियंस है दैट टुडे दो तीन दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड हो रहा था बट टुडे माय एनर्जी लेवल इज सुपर एंड आई वाज एबल टू डू सूर्य नमस्कार फॉर द एंटायर 12 मिनट्स एंड पर श्लोक दो राउंड मैंने इजीली करे और मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई. यूजुअली इवन आई प्रैक्टिस योगा पर मैं इतना लंबा टाइम सूर्य नमस्कार नहीं करती हूँ. सो टुडे एनर्जी लेवल आई कुड observe there was a drastic change in my energy level what I have felt today in the last 2-3 days. Kayot sir se matlab main time 9 baje ke time nahi soti hu jo sir ne time diya hua hai 9 ya 10 baje usually meri sleep 11 baje hi main soti hu lekin jitne bhi time main soti hu chahe wo kam hai but main 5 baje effortlessly meri neend khul jati hai and whatever quality of sleep I'm sleeping even though it's not too much but it is very relaxed after practicing Kayot Sarg meditation. So that is my experience. Baki sir, I just want to thank you. The explanations you give for yoga, kal aapne dharma aur kaam moksh ki di, to it was very, very interesting, very different. Usually hamari kai misconceptions hoti hai, but jo aap, the way you explain each and everything with detail, ki har cheez ka kya matlab hai, niyam hai, yam hai, jo hum sochte hain, वो चीज नहीं है. इट्स मच डीपर एंड मच बियॉन्ड दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर दोज एक्सप्लेनेशंस. मैंने मांगी भी थी कल ग्रुप में स्पेशली दैट आई वांट द वे यू एक्सप्लेन दोज थिंग्स एंड दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड उससे कई भ्रम आपके टूटते हैं जो यूजुअली हमारी एक सोच होती है वो लिमिटेड वे में हम एक चीज को लेते हैं या सोचते हैं. तो इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ योर माइंड द वे यू थिंक द वे यू एक्सप्लेन how to understand and what actually is the meaning uska matlab kya hai yoga ka matlab kya hai kyunki aajkal hum sab aasan pe hi ruk jate hain. Even the people who are teaching yoga they only stop at asana thinking it's a physical exercise but it's really much beyond. Yoga is not just physical exercise. So thank you very very much for your information and insight. It is very deepening the knowledge and it opens your mind in a different way, in a different horizon, the way you think and the way you tell about a certain thing. So it's very, very nice and insightful. Thank you so much, sir. You are welcome. Charu, aap bahut acche se kar rahe ho. Credit goes to you. No, sir, credit does not go to me. Yes, it's an effort, but obviously when we have a mentor, a guide to teach us in a disciplined way, that is when the journey begins. So as we say, we हमारे गुरु हैं जिन्होंने ये सब सीखा है और वो पास ऑन की उस हेरिटेज को हमारी संस्कृति को तो उस वे से हम लर्न करते हैं. तो दैट इज द वे वी आर लर्निंग फ्रॉम यू इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर ट्राइंग टू मेक अ डिसिप्लिन विद आवर लाइफ एंड मेक एन एफर्ट कि हम एक अपने को जान सकें और उस वे में हम अपने एक लाइफ को डिसिप्लिन कर सकें ताकि हमारी एक फाउंडेशन जो हेल्थ की है वो स्ट्रॉन्ग हो ताकि आगे भी जो हम कार्य करना चाहते हैं. ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ विजंस मायसेल्फ जैसे आपने कहा आपके क्या ड्रीम्स हैं. मेरा भी एक ड्रीम है दैट आई कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हील पीपल हेल्प देम कनेक्ट टू देमसेल्व्स एट अ लार्जर लेवल टू अचीव देयर गोल्स ऑफ हेल्थ वेलनेस. एंड ऑफ कोर्स एक होता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो तभी हो सकता है जब आपकी खुद की आप खुद स्वस्थ हो. सो थैंक यू सर वेरी मच फॉर दैट जर्नी ऑफ helping everyone lead a happy and a healthy life. तो आपकी विजन है, हमारी विजन तो एक ही है चारों. Yes, yes sir. करना चाहते हैं। बस ये एक ही है कि हंसते खेलते हो जाए काम. बिल्कुल बिल्कुल effortless. वो आपकी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बहुत प्रयास करते रहते हैं इन चीजों के लिए. Even हम वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं हर चीज में ऐसा लगता है कि बहुत प्रयास हम कर रहे हैं बट द वे यू आर टीचिंग इज वेरी कमेंडेबल. जो आपका एंडेवर है इट्स एफर्टलेस. जो आपके विचार हैं कि यस हंसेबा खेलीबा करेगा ध्यानम तो इफ अगर वो वैसा हो जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट. इट्स द बेस्ट. देखो हमारे जितने भी आइडियल्स हैं राम है श्री कृष्ण है सब क्या है लीला बताया ना लीला राम लीला कृष्ण लीला तो लीला है ना. लीला मतलब खेलकूद और क्या खेलकूद. और यूजुअली सब सर मेडिटेशन को लेते हैं कि सब सीरियस एक सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जबकि इट्स ड्रॉपिंग योरसेल्फ ड्रॉपिंग द सीरियसनेस ऑफ लाइफ. एक्चुअली व्हाट आई थिंक
It's dropping the seriousness of life. That is meditation. देखो एक शब्द है गंभीर, मतलब कुछ लोग कहते हैं तुम गंभीर कब होगे, गैर गंभीर होना एक शब्द है, गंभीर होना, गैर गंभीर होना। जैसे अभी संचिता जी हो रही हैं, देखो बड़ी गंभीर दिख रही हैं एकदम। और फिर धार्मिक होना, इसको बड़ा हमने बड़े शब्द बना दिए धार्मिक। तो ओशो का एक संस्मरण मैंने पढ़ा, बहुत हंसा उसके बाद में। फिर उन्होंने कहा भी गंभीर और धार्मिक एक ही प्राणी है इस संसार में, कौन है बताओ, कोई बता सकता है कोई? अगर किसी ने ओशो को पढ़ा हो तो बताएगा। उन्होंने कहा गंभीर और धार्मिक एक ही प्राणी है इस संसार में, सबसे ज्यादा गंभीर और धार्मिक अब कौन है पता है? तो उन्होंने कहा गधा है वो। जैसे गधा और धा से धार्मिक, वो ऐसे डिफाइन करते हैं। That's very nice explanation. ऐसी आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई, पागल का क्या एक्सप्लेनेशन है? पंजाबी में होता है पा और गल, गल मतलब बात, पा मतलब जिसने समझ ली, पागल का मतलब जिसने गल को पा लिया, यानी जिसने एक बात को समझ लिया। जैसे आप कहते हैं आपने एक अंडरस्टैंडिंग, यू नो व्हेन यू गेट टू नो योरसेल्फ, आपने उस बात को समझ लिया, दैट इज ट्रू विजडम, अप्लाइंग दैट नॉलेज एंड देन यू गेट दैट एक्सपीरियंस व्हिच टर्न्स इनटू योर विजडम। तो जिसने बात को समझ लिया वो पा गया। ये बहुत बढ़िया है। ऐसे हमारे जैन एक आचार्य हैं, आचार्य विद्यासागर जी, अगर नाम सुना उन्होंने आपने, जी जी जी, बहुत अच्छी हैं और उनके बहुत से साधु हैं और सारे लर्नेड, कोई बीटेक इंजीनियर, कोई ये, कोई आईआईटी, मतलब उनके जितने भी शिष्य हैं बड़े तपस्वी हैं। वो भी डिफाइन करते हैं पागल को कि पा का मतलब जिसने पा लिया खुद को, ठीक है, का माने जिसकी ईगो गल गई है, जिसका मैं गल गया, दोनों एक दूसरे से विपरीत लगते हैं कि खुद को पाना और ईगो गलना। तो चलिए खैर बड़ा अच्छा है आपने भी जो डिफाइन किया। तो करुणाकरण जी आप आ जाइए प्लीज। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर जे जे साहब, एक मुझे पूछना था, ये जब कायस्थर करते हैं पहले परिचय अपने बारे में कुछ बताओ ना, अच्छी सी कोई घटना बताओ, कब आपको प्यार हुआ पहली बार, तो ऐसा कोई घटना हो तो बताइए ना, मेरी तो बात हो जाएगी, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। अच्छा मेरा नाम करुणाकरण है, मैं बम्बई के निवासी हूँ और मैं जनरल इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ। आज जब कायस्थर किया तो कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आई एम गोइंग इनटू अ स्टेट वेयर आई एम कंप्लीटली डिफरेंट। ये होना स्वाभाविक है क्या कि इज इट बिकॉज ऑफ टायर्डनेस और समथिंग, ये मुझे पता नहीं है, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं I am going into some trance. Is it possible? वो ये गिरा आपको पूछना था। लेकिन इसलिए कुछ भाग आप जब explain कर रहे थे शायद मेरा छूट भी गया, क्योंकि कुछ time के लिए I felt I am transporting myself to another place. I am एकदम अलग, एकदम blissful, एकदम peaceful जगह पे। I was not aware of anything around me for some time. And suddenly आपका फिर आवाज सुनाई दिया तो फिर I came back to reality. So, ये is it स्वाभाविक या क्या है, ये आप जरा बता सकते हैं? नेचुरल, देखो ये तो जो ये सब नेचुरल है, इसमें मेडिटेशन में होती है, तरह तरह की अनुभूतियां लोगों को होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो महत्व देंगे तो फिर बचपना चल रहा है उसको मान के चलो। हाँ जो हो रहा है बस स्वीकार कर लिया, हो गया उस समय, ठीक है। अच्छा ना, पकड़ना नहीं है उसको। हाँ और जो आपका मस्ती योग था उसमें तो बहुत मजा आया, बहुत खुल के, स्पेशली द डांसिंग पार्ट, तो बहुत जमाने के बाद मुझे लगा कि मैं एकदम खुल के अपने मेरे अंदर के बच्चे को बाहर लेके आए, तो थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज ये तो वो एक फीलिंग अलग ही है। एंड एज द डे प्रोग्रेसेस हर आप ये बोलते हैं ना, आप ये सबको सभी तरह से, आप कई जगहों से आप ओशो का जिक्र करते हैं, गौतम बुद्ध का जिक्र करते हैं,
बहुत सारे लोगों के विचार आप प्रेजेंट करते हैं इस तरह से. इट इज लाइक गेटिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस. एक कैप्सूल दे रहे हैं जो जिसमें आप सब कुछ मिला के दे रहे हैं. ये और दिस इज समथिंग दैट रियली अमेजेस मी कि एक जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है. एंड बिटवीन यू एंड मी आप जो कुछ बात करते हैं कई बार सोचता हूँ कोई इसके इसके पर और बैठ के सुनना चाहिए क्योंकि ये ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं अभी. इसको थोड़ा और बैठ के तब चल के उसका रियल इम्पैक्ट होगा. तो वो भी एक है. सो डेफिनेटली इफ देर आर बुक्स और इवन ऑडियोज जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है इसमें ज़्यादा सीखने या ज़्यादा समझने के लिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल. सो दैट जब भी हम हफ्ते में दो दिन मिलते हैं वीकेंड्स में तब हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम दें. बाकी के दिन तो रैट रेस है. सुबह उठते हैं, भागते हैं, रात को आते हैं, सोते हैं, बस चलते जा रहे हैं. आपने ये 6 बजे का टाइम दिया है इसलिए उठ रहे हैं, नहीं तो 7 बजे तक सोते हैं, स्नान करते हैं, बस 8 बजे निकल पड़ते हैं और रात को आ जाते हैं. फिर वही होता है, कुछ होता नहीं है. तो उसमें से निकल कर आने के लिए इसमें थोड़ा इनडेप्थ में जाने का विचार है सर. तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि या कुछ रीडिंग मटेरियल या कुछ ऑडियो वगैरह जो सुन के हम कुछ और इंस्पिरेशन ले तो इट विल बी रियली हेल्पफुल. ठीक है सर, करते हैं प्रयास. ठीक है ना, तो अभी हम अकेले हैं, जितना हो सकता है हम करते हैं. ठीक है ना, उसके लिए आपने इतनी सारी चीजें बताई है. तो पहले मुझको भी ये सारी चीजें कुछ सालों से, कई सालों से मैं प्रयास कर रहा था ये. तो लोग यही बता रहे थे पहले किताब लिखो, पहले अपनी वेबसाइट बनाओ, पहले ये करो, पहले ये करो, ब्रांडिंग करो, तब करो. अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहा क्या क्या करूं, कैसे करूं ये सब चीजें. संचिता को मालूम है, 3 साल परेशान रहा मैं इस चीज में, फंस गया. अब मैंने कहा यार जो आता है उतना कर लो, बातचीत शुरू करते हैं ना यार. बराबर, और सहजता से हो जाता है. इसमें ज्यादा किताबों पढ़ने से नहीं होगा सर, पूरी लाइब्रेरी, अब तो उस लाइब्रेरी को डिस्पैच कर रहा हूं मैं धीरे धीरे करके. ठीक है ना, तो कितनी किताबें हैं. तो किताबों से नहीं होगा सर, बहुत लोग करते हैं और बहुत तरह के मैंने कोर्सेज किए हैं. सुबह से शाम तक क्लासरूम टीचिंग पढ़ा रहे हैं, एक प्रोग्राम किया मैंने, बड़े अच्छे मेरे संबंध है उन लोगों के साथ और बहुत अच्छा कर रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड्स. ठीक है ना, सुबह से शाम तक क्लासेस, क्लासरूम टीचिंग, दिमाग पगला जाता है. ऐसे लैंडमार्क फोरम किया मैंने, इतना पढ़ा रहे हैं अच्छे, 12 घंटे बैठा के 18 घंटे बैठाकर आप 300-400 लोगों को लाभ होता है उससे लोगों को. लेकिन मुझे तो लगा कि दिमाग फट जाएगा, कितना समझो यार. तो ज्यादा दिमाग पे इतने जोर नहीं डालना. ठीक है ना, फिर बाहर आके लोग घंटे 1.5 घंटे बाद चाय कॉफी बिस्कुट वो दबाते हैं, पीते हैं, क्योंकि इतना तनाव हो जाता है उसमें. ठीक है ना, तो ज्यादा माइंड पे इतना असर डालने की जरूरत नहीं सर. बहुत सिंपल सिंपल है, आप बने रहिए, कभी आइए, साथ रहिए, आके 5-6 दिन गुजारिए हमारे साथ में. तो बस मस्ती मस्ती खेलेंगे कूदेंगे, उससे हो जाएगा सर. खराब सुन लो, आप नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, हो जाए तो हो जाए भैया. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. नहीं सर, वो भी एक है. रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में फोकस थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे आपने बोला. हमने फोकस करते रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में भी, मैंने कहा ना रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में भी हमने वो प्रोग्राम भी किए. रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में रात के 9-10 बजे तक क्लास चल रही है सर, इतना फोकस है. संचिता इसको मालूम है, ये मेरे साथ थी उस क्लास में. सुबह से क्लास चल रही है और फिर रात को किसी क्लब पार्टी को कर रहे हो, वो लाइफ स्टाइल नहीं है सर. हाँ, लोग बोलते हैं आधा 1.5 घंटे से ज्यादा आदमी का फोकस नहीं रहता है. फोकस नहीं है या एट ए टाइम. ठीक है ना, तो हंसते खेलते करना है सर ये. ठीक है ना. नहीं पर पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है जे, ऑल सेड एंड डन आपसे जितना भी सीख पाएंगे, पर लोगों को अपना अपना पढ़ना और अपना ज्ञान, अगर उनको इनक्यूजिटिव है तो अपना नॉलेज इंक्रीज करना बहुत जरूरी है लाइफ में. क्या जरूरी है, लेकिन अभी अभी जो देखिए, ये मैंने पढ़ा है, मैंने तो हिंदुस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में, मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर मैंने लॉ भी किया, वकालत भी किया, सब मैंने करके. अभी देखो, हो सकता है मेरी समझ पूरी नहीं हो, अभी भी हो सकता है क्योंकि ये प्रोसेस है, लेकिन अभी जहां मैं
प्रयोग हो रहे हैं, लोगों ने अपने बच्चों को जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं 50 लाख से ऊपर पैकेजेज है उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। आप मेरे साथ आओ, मैं ऐसी कम्युनिटी से मिलाता हूँ आपको, आप रहो। नो आई नो यू मस्ट बी सीइंग, यू मस्ट हैव सीन दैट सोशल डायलेमा जो उसमें उस पे है नेटफ्लिक्स या किसी पे, दे हैव टोल्ड द ऑल रियलिटी की किस तरीके से आजकल इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है सब पे, लोगों को इन्फॉर्मेशन डायरिया है बेसिकली, बट स्टिल हमारे जितना पुराने ग्रंथ हैं उनको पढ़ना थोड़ा बहुत, लाइक यस्टरडे वी वर टॉकिंग एंड अमिताभ जी ने बोला था, तब से मुझे भी हुआ कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए चरक संहिता और ये पतंजलि सूत्र एंड ऑल दोस की कुछ, तो मतलब आपसे जो सीख सकेंगे या जिससे भी सीख सकते हैं वो थोड़ा बहुत ही सीख सकते हैं, पर खुद पढ़ के तो नेचुरली हम लोग अल्टीमेटली कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है वो ठीक है, लेकिन दोनों आयाम को समझें, हम उस आयाम को भी समझें पढ़ने लिखने वाला, वो आयाम भी समझें, और कम पढ़ के और ज्यादा घूमने वाले प्रैक्टिकल आयाम उसको भी समझें, ठीक है ना। हम मान लीजिए किसी को एप्पल के बारे में खूब बता रहे हैं, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन एप्पल दिखा भी नहीं रहे, और फिर एप्पल दिखा भी दिया खिला नहीं रहे, तो जो खा के समझोगे तो देखो तो वो अलग है। तो इसलिए महावीर ने क्या कहा, देखिए महावीर कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्गानी, ये एक ही सूत्र दिया है। देखिए आप, ये सूत्र अपने आप में पर्याप्त है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, मोक्ष माने सुख का मार्ग है। उन्होंने मोक्ष को भी डिफाइन किया है, वो कहते हैं आकुलता व्याकुलता रहित होना है, सुख आकुलता बिन कहिए है, आत्म को हित है सुख, सुख आकुलता व्याकुलता बिन कहिए, मतलब सस्टेनेबल हैप्पीनेस। एक तो है कभी खुशी कभी गम, अभी तो हमारे जीवन में यही हो रहा है ना, कभी खुशी है कभी गम है, अभी तो इतना खुशी आ जाते है, अगले क्षण कुछ ऐसा हो जाता है मूड खराब हो जाता है, मिनट भर में कोई बहुत अच्छी पार्टी करते हो आप खुशी में, उसी पार्टी में भी मूड खराब हो जाता है। तो कभी खुशी कभी गम, सस्टेनेबल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट है हमारा, वो मोक्ष है, सस्टेनेबल हैप्पीनेस, मोक्ष को डिफाइन किया। आकुलता व्याकुलता रहित होना, डिजीज फ्री होना, डिजीज फ्री होना। अब डिजीज फ्री कैसे होना, ये रोग को, रोग का ठीक होना, निरोगी काया होना डिजीज फ्री होने का एक कंपोनेंट है, 5% है। महावीर कहते हैं 18 कारण है डिजीज के, अगर आप महावीर को पढ़ोगे तो अल्टीमेट डॉक्टर्स हैं वो, मतलब अगर परफेक्ट हेल्थ का नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया, 18 कारण है डिजीज के, रोग उसमें से एक है, व्याधि कहा उन्होंने, उन्होंने वो तो कहते हैं क्षुधा रोग विनाश, क्षुधा को भी रोग कहा है, आप बताइए, आप देखिए जैन लिटरेचर देखिए आप, वो कहते हैं क्षुधा रोग विनाश नयन में, तो क्षुधा जो भूख है और प्यास है वो भी डिजीज का कारण है। और आप देखोगे 6 दिन में संचिता, 6 दिन आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, 6 दिन में देखोगे भूख भी आपकी कम होने वाली है। 6 दिन तो 5 दिन तो हो गए आज, कल का 6 दिन है, छठा ही दिन है, आप कल बात करेंगे ना, 6 दिन होने तो बाल तो आने नहीं, पर व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि आप जो अभी बता रहे हो आपने भी तो ये कहीं ना कहीं पढ़ा है और समझा है तभी आप बता पा रहे हो, वैसे ही किसी को अगर इंक्यूजिटिव है और क्यूरोसिटी है तो यू शुड गिव सम लिटरेचर टू फॉर देम टू रीड आल्सो, बुक्स का या किसी उसका रेफरेंस इनको बता दीजिए ताकि ये पढ़ सकें आगे और कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो इतनी ओशो की इतनी बुक्स हैं, इतना सब कुछ है, बहुत कुछ लिटरेचर अवेलेबल है, तो डिपेंड करता है कि उनको क्या जानना है और किसमें उनकी ज्यादा रुचि है, पर बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। लाइफ तो भागे जा रही है, बहुत जरूरत है समझने की। मैं तो अब सोचती हूँ कि सारी जिंदगी हम साइंटिफिक ये पढ़ते रहे और नौकरी करने में और एनवायरमेंट के उसमें, और अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, तो अपने आप पे ही नहीं वो कर पाए नॉर्मल उसमें, तो अब मुझे लगता है कि लाइफ इज पासिंग बाय इतना जल्दी जल्दी, तो पता ही नहीं लगता है कि कब आपके इतने साल निकल गए। बिल्कुल संचिता, देखो मैं किताबें पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं बीच में एक चीज इनपुट दे रहा हूँ, प्रोबेबली संचिता जी का अच्छा एडवाइस है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट कोर्स से हम एक रिकमेंडेड लिस्ट बना लेते हैं, आई विल वर्क विद, जो हमारा 1-to-1 डिस्कशन होता है ना, तो हम कुछ 4-5 जो बेस्ट रिकमेंडेशन आपको लगती हैं जो सबसे अच्छी हैं नेक्स्ट लेवल की, वो हम कर लेंगे, बाकी कोर्स में तो ये सीख ही रहे हैं, है ना।
विल अडॉप्ट दैट बेस्ट प्रैक्टिस है ना. वही मैं बोल रहा था कि जिसको इंटरेस्ट है वो परस्यू करेंगे, जिसको परस्यू करे वो आगे पढ़े. तो आपको इट्स माय कमिटमेंट कि संडे तक आपको एक बेस्ट रिकमेंडेड लिस्ट आपको मिल जाएगा इसका. बिकॉज लाइक मैडम सेड इतना इतना कुछ कंफ्यूजन है, देयर सो मच इंटरेस्ट, वी डोंट नो किधर जाए क्या जाए. यस वी एक्सेप्ट दैट फीडबैक, वी विल डू इट. आई विल वर्क विद जीजे, तो वी विल डू इट. और सबने अपनी अपनी थ्योरीज बना रखी हैं, सबने अपने अपने प्रैक्टिसेस बना रखी हैं, किसको फॉलो करो क्या करो. जब तक पीपल गो टू दिस सोर्स एंड अंडरस्टैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस मैम, यस मैम. जे जे सबके फीडबैक हो गए हैं, क्योंकि 8:30 पीपल माइट वांट टू लीव क्योंकि वो सबके ऑफिस कमिटमेंट्स होंगे. तो एवरीबॉडी इज डन? नहीं सर, आई एम नॉट डन. मुझे एक जरा सा करना है, जे जे से पूछना है. आप कह रहे थे ना, आपने देखा होगा नॉर्मली आई एम ऑलवेज स्माइलिंग एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड, पर आज सवेरे जब से मैंने आपका वो डिटॉक्स पाउडर वो कल खाया पिया था, आज पिया, सो फ्रॉम दैट टाइम आई वाज फीलिंग नॉसियटिक. एंड कल भी मेरा गले में थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कफ अटक जाता है यहाँ पे, वो हो रहा था. एंड आज पीने से और ज्यादा लग रहा था. And I was feeling nauseatic, nausea type हो रहा था. I was feeling like puking. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो है कि वो क्या क्या है, whether it will suit आगे continue करें या क्या चीज है और क्यों हो रहा है ऐसा मुझको. हाँ देखिए संचिता, उसमें ऐसा करना है, एक तो कल से आप जब करोगे तो पहले कुंजल कर लीजिए फिर करिए. अभी okay. कुछ ऐसा कफ है या पित्त है आपके शरीर में जो निकलना चाहते, ठीक है ना, और ये डिटोक्स है, ठीक है ना. तो एक तो ये शुरू में दो चार दिन लोगों को होता है, किसी को डायरिया हो जाता है, तीन चार बार जाना होता है, कफ हो जाता है, किसी को सिर चकराता है, तो ये हो सकता है. लेकिन सुबह कुंजल करके करोगे तो कम होगा उसका प्रभाव. मुझे भी हल्का हल्का डायरिया टाइप भी लग रहा है आज से, अगर जब पिया उसके बाद से. डायरिया हो तो ठंडे पानी से लेना है इसको. ओके, कल जो है इसको ठंडे पानी से, ताजे पानी से लीजिए और सुबह कुंजल करके फिर उसके आधा घंटे के बाद फिर लीजिए इसको, ठीक है ना. तो ये कम होगा. और अपनी शेयरिंग कर लीजिए, अपना परिचय दीजिए संचिता. या आई एम संचिता जिंदल. आई एम रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड नाउ इनटू दिस ओनली. बट माय बेसिक पर्पस इज टू, जैसे अभी मैंने बोला कि लाइफ की इतनी जद्दोजहद में पता ही नहीं लगा कि हम अपने आप को, ऑल्दो अर्लियर आई वॉज डूइंग क्वाइट अ लॉट, बट लास्ट के तीन चार साल ऐसे निकले कि अपने आप को करीब करीब भूल ही गए थे. सो आई हैव गेन सम वेट एंड आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दैट एंड कम बैक टू नेचुरल लाइफस्टाइल बहुत कुछ. तो अब मैंने वो कर रही हूँ कोशिश कि अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ, अपना नॉलेज इसी पे बढ़ाना है एंड इम्पार्ट दैट नॉलेज टू अदर्स ऑल्सो. विद दैट इंटेंशन आई हैव जॉइंड जेजे. And मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ पॉजिटिव शेयर कर पाऊं, क्योंकि प्रॉबेबली मेरे पे अभी तक इफेक्ट होना बाकी है. पर जैसे आज सवेरे जब आपने कायोत्सर्ग और ये कर रहे थे तो मुझे तो बीच में आधे उसमें नींद ही आ गई थी वो करते करते. तो मुझे आफ्टर सम टाइम एंड देन आई वॉज फीलिंग इट्स टू लॉन्ग, माई लेग्स स्टार्टेड हैविंग सम टिंगलिंग सेंसेशन. तो फिर मैंने अपना फिर अपने आप को हिलाना ही पड़ा. आप इतना अपने बॉडी को बिल्कुल वो नहीं कर पाई, तो थोड़ा उसमें मुझे बहुत ज्यादा लगा. हो सकता है विद टाइम धीरे धीरे ठीक होगा एंड आई थिंक प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस मोर एंड देन वो होगा शायद इफेक्ट. थोड़ा और टाइम लगेगा देखने में. अभी वेट तो मेरा वहीं का वहीं है, बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ है. कोई बात नहीं. देखो संचिता, हर व्यक्ति का अपना एक और लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ आप में कि आपका कुछ भी है, चाहे अपने व्यस्त रहे हो कुछ भी रहे हो, लेकिन कुछ तो बहुत पॉजिटिव है आपके अंदर. क्योंकि जैसे मैं आपकी स्किन को देख पा रहा हूँ, आपकी आवाज को देख पा रहा हूँ, आपके चेहरे को देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चाहे वो हेरिडिटरी हो आप में, कुछ पेरेंट्स का देन हो, चाहे एनवायरमेंट जिसके लिए काम किया है आपने उसका आशीर्वाद हो, तो कुछ तो आशीर्वाद है आप पे. पहली बात तो बढ़िया है. और लेकिन अभी जो एक थैंक यू, लेकिन जो प्यार है ना वो किसी को एकदम हो जाता है, एक बार में हो जाता है, कुछ को धीरे धीरे होता है. तो आपको भी हमसे प्यार होगा या खुद से प्यार होगा तो इतने टेक सम टाइम, कोई बात नहीं. okay, yeah.
मुन्ना भाई लगे रहो बिल्कुल या दैट इज व्हाट आई हैव यस्टरडे इज दिस थिंग. एक तो निरोगी काया फाउंडेशन है वो नेचुरली आई न्यू बट इट अगेन गॉट रीटरेटेड कि नो आई हैव टू मेक माय फाउंडेशन स्ट्रांग और दैट वाज क्वाइट एन लर्निंग नॉट एग्जैक्टली लर्निंग पर वह रिट्रेशन एंड आई हैव टू नाउ गो इनटू दैट ओनली कि अपना बॉडी ही निरोगी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे अपने आप को ही निरोगी बनाऊंगी तभी किसी किसी की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या बोलते हैं हेल्प की. चलिए लक्ष्मी आपको करना है लीना जी आप आ जाइए. लीना जी का नहीं हुआ है और श्वेता बहुत क्विकली करते हैं एक एक मिनट में और समय हो गया है. सत्यनारायण जी कौन आ रहे हैं और विकास जी जो भी जल्दी अनम्यूट कर लें अपने आप को. मैं आ जाइए अमिताभ जी आ जाइए प्लीज. अच्छा कल मैंने अपना ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही कल मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा तो मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया एंड सरप्राइजिंगली मेरा ब्लड प्रेशर अत्यंत लो था. मतलब इट वाज 90 अबव एंड 57 बिलो. तो 90/57 मेरा ब्लड प्रेशर था कल जब मैंने आपसे कल बात किया तो उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर उतना ही था 90/57. Okay. But I did not take it as a anything disease. And plus, pulse was 126. Oh. तो मैंने इसको observe किया और उसके बाद मैंने salt खाया. ये दो दिन without salt था. तो उसके बाद मैंने regular जैसे normal salt खाते हैं वो कीनू खाया with salt etc. तो कल फिर मैंने salt खाया. Because मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दो दिन without salt is creating a problem. आज मेरा ब्लड शुगर अभी जब मैं बात कर रहा हूं इस 322. बट समहाउ आई डोंट कंसीडर दीज एज डिजीज. आई मीन मुझे लग रहा है कि ठीक है ये है और इसकी आवश्यकता है मुझे. तो कुछ तो चीजें अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूं. तो ये दोनों चीजें एबनॉर्मल है. कल जो हुआ वेरी लो ब्लड प्रेशर वो तो एबनॉर्मल केस है. और जैसे शुगर लेवल ऑलमोस्ट मैं फास्टिंग पर ही हूँ पर शुगर लेवल इतना हाई होना लोग कहेंगे एबनॉर्मल है. मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं है इस चीज से. अब आगे क्या कर रहे हैं जिसमें एक पुष्टिकरण हुआ जो आप कह रहे हैं कि 11 बजे का खाना और 5 बजे का खाना 4-5 बजे का यही मेरा नियम बन रहा था अपने आप से. अगर मैं अपने आप को जो ऑब्जर्व कर रहा था पिछले एक महीने से वो ऐसा ही हो रहा था कि एक 11 बजे भूख लगती है और एक 5 बजे लगती है. पर वो कंडीशनिंग रहती है कि 8-8 घंटे पे खाना है. तो वो आपसे थोड़ा पुष्टिकरण हुआ कि यस दैट सीम्स टू बी ओके चीज. दूसरी चीज है मुझे सिंस मैं व्हाट्सएप पर नहीं हूं तो मुझे शायद बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे. तो अगर कुछ की इन्फॉर्मेशन मुझे अगर ईमेल पे मिल जाए तो ठीक है. व्हाट्सएप पे तो आना मेरे लिए संभव नहीं है. तो यही है सर इन लॉन्ग एंड शॉर्ट. अब आगे देखते हैं सर. वो मैं कोशिश करता हूँ आज आपको ईमेल पे मिल जाए पहली चीज. दूसरी चीज ये है मुझे पूरा चार्ट दीजिए अपना महीने भर का ब्लड शुगर का और बीपी का अगर आपने बनाया है. फिर मैं आपसे वन ऑन वन बैठ के बात करता हूँ. आज कोई मुझे शेड्यूल करते हैं टेलीफोन भी कर लेंगे और जूम पे करना चाहें तो जूम पे भी हम कर सकते हैं. आप क्या चाहते हैं चार्ट? हाँ चार्ट मुझे दे दीजिए. और चार्ट चाहे... मेरे पास है नहीं. मैं देखता नहीं हूँ उस तरीके से कि रिकॉर्ड नहीं करता. अच्छा रिकॉर्ड नहीं करता तो कोई बात नहीं. तो आप ऐसे करिए कि आप मेरे साथ कब बैठ सकते हो? 9 बजे बैठ सकते हो थोड़ी देर 10 मिनट अभी? हाँ, बिल्कुल. तो अभी सेशन Sir Amit ji, even I need to know how to get in touch with you. I've been working towards. I was not able to find a number itself. I'm just on email and phone. I'm not on WhatsApp. Yeah. So, like, which number can I contact? Email or give me your email or write it on the chat so that we can contact you. Email is there with you. तो ईमेल इनके पर्चे में होगा ना लक्ष्मी? इन्होंने जो पर्चे डाला है उसमें ईमेल लिखा होगा ना अपना? उनका परिचय भी नहीं है. सिर्फ 5 ही जन ने परिचय दिया. अमित जी का परिचय नहीं है बिकॉज व्हाट्सएप में है ही नहीं. परिचय क्या चाहिए? अच्छा अच्छा तो आप इनको मेल अपना मेल मेल डू यू हैव अ फोन नंबर आई कुड कॉल अप? ऑफ कोर्स यू हैव माय नंबर. जितेन शी हैज माय नंबर. कैन यू कंफर्म इट बिकॉज़ द सर इज अ लिटिल मिसिंग. इफ यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द चैट आई विल राइट इट डाउन. ओके लेट मी जस्ट इफ यू डोंट माइंड.
थैंक यू सो मच टू माइंड प्रॉब्लम लीना जी और करुणाकरण का हो गया श्वेता आपको शेयरिंग करना है एक मिनट में क्विकली आप करिए शेयरिंग अपनी लक्ष्मी फिर आप भी करिए सत्यनारायण जी विकास गुड मॉर्निंग एवरीवन हाँ जी हाय श्वेता जी आई एम श्वेता झा आई एम फ्रॉम दिल्ली माय एज इज 38 इयर्स और मैं जिनेंद्र सर के साथ पिछले मई से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना लिया हर चीज का जिसमें मुझे सबसे पहली जो सफलता मिली वो मुझे मेरे वेट पर मिली जो मैंने 16 kg अपना वेट लूज किया है एज ऑफ नाउ मैं 75-76 kg की थी और अभी मैं 60 पे स्टैटिक हूँ कभी समटाइम्स इट इज 59 और 60-61 लाइक दिस तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा वेट अभी सस्टेनेबल है और दूसरा जो मैंने सर के साथ सक्सेस पाया वो मैंने पाया कि कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट करके अपने फीवर को ओवरकम करते हैं नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन तो ये मेरा दूसरा सक्सेस था एंड द थर्ड वन इज दैट कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेंस्ट्रुएशन के लिए भी सर के साथ अभी जुड़ी हुई हूँ बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 दिनों से कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं आ पा रही हूँ सेशन में इसके लिए सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी टू जे और इसके लिए भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मैंने इस बार देखा कि मेरा साइकिल तो मतलब प्रीवियस से थोड़ा सा स्मूथ रहा है बट ऑफकोर्स इस टाइम पे मैं थोड़ा फैटिक फील करती हूँ तो इस कोर्स से बस मैंने देखा कि अपने बॉडी को ही जब हम प्रयोगशाला बना लेते हैं और चीजों को जब हम खुले माइंड से लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में बेनिफिट्स आते ही आते हैं मेरे लिए तो ये लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेटिव है ये कोर्स सटावश्यक और जिनेंद्र सर का एक एक गाइडेंस सो थैंक यू सो मच कहने को बहुत कुछ है सो बस मुझे जल्दी जल्दी शेयर करना था तो मैंने इन शॉर्ट सब कुछ बता दिया है ओके ओके तो और किसी का कोई प्रश्न है या कोई किसी की शेयरिंग रह रही है तो ले लेते सत्यनारायण जी आपको कुछ बोलना है सत्यनारायण जी हाँ जी नमस्कार मेरा नाम सत्यनारायण बारे मुंबई से हूँ और इस प्रोग्राम में पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वेट लॉस भी कर चुका हूँ 5 किलो तक इवनली नॉट फॉलोइंग एनी रिचुअल साइड सर सेट बट ये सुनते सुनते मुझे मतलब डेली इनका लेक्चर सुनते सुनते मुझे खाना का हैबिट कम हो गया और एक्टिव फील करता हूँ और जो कायसर का करता है उसने बहुत मायने रहा कायसर में मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ जो पर्सनल बॉडी पे मेरे सोच विचार में काफ़ी चीज़ें में मेरा मेंटली में शांत रहना प्रेशर मतलब पीसफुल रहने का आदत पड़ गया थैंक यू मैंने थिंग्स आते बता लेते सर जी मुझे एक डाउट था ये जो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताया था सो जो ड्यूरिंग द फास्टिंग टाइम है एटलीस्ट पानी जूस ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं धूप हवा पानी तो खूब खाई पीजिए खाने पीने को मना थोड़ी करते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो होता है प्रिंसिपल आई डोंट नो दैट आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट नाउ दैट अच्छा अच्छा ठीक है उसमें मतलब आज बताया ना इसको थोड़ा सा हाँ अब बता रहे थे उससे मतलब फिर ड्यूरिंग द डे मतलब बीच में पानी या जूस ले सकते हैं नहीं जूस नहीं लेना है उसमें पानी ले सकते हैं जूस ले सकते हैं मॉर्निंग में जूस भी ले सकते हैं मॉर्निंग में मतलब भोजन से पहले जूस ले सकते हैं ओके पानी जितना शेप में ले सकते हैं हाँ पानी पीने का आदत है मुझे इसके लिए व्हाट अबाउट टी जे जे व्हाट अबाउट टी इन इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रीन टी ले सकते हो ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो आप एलोवेरा जूस ले सकते हो ओके और नारियल पानी भी ले सकते हो कभी मन करता है बहुत ज्यादा आपको हंगर पैंग्स होती हैं तो वो ले सकते हो ठीक है चलिए तो और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अब ये सेशन शेयरिंग सेशन तो हमारा खत्म हो गया है किसी का प्रश्न हो कोई डिस्कस करना हो तो अभी हम कर सकते हैं चीजों को और नहीं तो हम लॉग आउट कर रहे हैं ठीक है संचिता ओके आई विल टॉक टू यू लिटिल लेटर आज ठीक है बात कर लीजिए